Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. तमाम videos updates के लिए हमारे channel को subscribe करें और bell notification icon को click करें. औरत की जिंदगी में एक ही वक्त होता है जहां वो वाकई आजाद होती है, और वो वक्त इस वक्त होता है जब वो बच्ची होती है. वो खेल सकती है और हंसी मजाक कर सकती है, अपनी जिंदगी जैसे चाहे जी सकती है. हम तीन बहनें थीं. मेरी छोटी बहन स्कूल जाया करती थी और मेरी बड़ी बहन की छोटी ही उम्र में शादी हो गई थी. मैंने थोड़ा सा पढ़ा था. मैंने शायद चौथी या पांचवी जमात तक ही तालीम हासिल की, लेकिन मुझे ज्यादा याद नहीं है. हम अपने गांव ठट्टा में लकड़ियों से बने घर में रहते थे. कुछ साल कराची में अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए रुके. हम एक किराए के मकान में रहायश पजीर थे. फिर हम अपने गाँव वापस आ गए. मेरे वालदैन दोनों काम किया करते थे. मेरे वालिद की ज्यादा आमदनी थी. मेरे वालिद मजदूरी का काम किया करते थे और उन्होंने खूब कमाया. मेरी वालदा भी स्कूल में काम किया करती थी और बच्चों की देखभाल भी करती थी. जब मेरी अम्मी ने काम छोड़ दिया तो मैंने काम करना शुरू कर दिया और मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी. बचपन के बाद जैसे जैसे एक औरत की उम्र बढ़ती चली जाती है, घरेलू जिम्मेदारियों से इसके कंधों पर काम का वजन भी बढ़ता चला जाता है, और फिर इसकी शादी हो जाती है. अगर वो बदकिस्मत है तो इसकी शादी गलत इंसान से हो जाती है और इसकी पूरी जिंदगी बोझ बनकर रह जाती है. जब मेरी मंगनी हुई तो मैंने पैसा कमाने और अपनी जहेज की तैयारी के लिए घर में बैठे ही काम करना शुरू कर दिया. जू ही मैं 16 साल की हुई, मेरी शादी मेरे कजिन नबील से हो गई. शादी के 3 साल के अंदर ही मेरा एक बेटा हो गया जिसका नाम अशर था. मेरे शौहर ने मेरे बेटे को देखा तक नहीं. जब मैं वापस अपने ससुराल आई तो सबने मुझसे बहुत बदसलूकी करना शुरू कर दी. मेरी सास और इसकी बहनों ने मुझे पैसा ना खाना कुछ भी नहीं दिया. बल्कि सबसे बदतरीन बात तो ये है कि किसी ने मेरे बेटे से मोहब्बत भी नहीं की. मैंने अपने पैसे कमाने और घर में अपने बेटे की देखभाल करना शुरू कर दी. नबील ने कभी मुझे पीटा नहीं, लेकिन वो मुझे जज्बाती तौर पर बीमार करने में कामयाब हो गया. इसने हमारे बच्चे को कभी भी नहीं अपना माना. इसने मेरी पीठ पीछे एक दूसरी औरत से शादी कर ली और अपनी नई बीवी के साथ एक नया खानदान बनाया. इसकी माँ और बहनें भी उस दूसरी शादी में शामिल थे. वो अपनी भतीजी अपने चचाजात भाई से ऐसा कैसे कर सकते थे? मेरी जिंदगी शादी के बाद मसाइब से भरी हुई थी. मैं इस वाक्य के बाद अपने घर वापस चली गई थी. जब मेरा बेटा अशर 3 साल का हुआ तो मैंने काम करना दोबारा शुरू कर दिया. कभी कभी तो मैं इसको एक एक महीने तक देख ही नहीं पाती थी. मैं अपने घर में वाहिद थी जो कमा रही थी, और जो कमा रही थी इसमें खाने अद्वियात और लिबास के बामुश्किल अखराजात पूरे हो रहे थे. हमारी जिंदगी में शायद काफी अरसा बाद थोड़ा सुकून आया था. सब खुश थे, मगर शायद वो खुशी भी वक्ती थी. पलक झपकते ही मेरी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया किसने हमारी जिंदगियां हिला कर रख दी. मुझे उस दिन काम करते हुए काफी देर हो चुकी थी. इस वक्त रात के शायद 11:30 बज रहे थे. मैं ऑफिस से निकली तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरा कोई पीछा कर रहा हो. लेकिन जब भी मैं पीछे देखती तो वहां कोई भी नहीं होता. मैं घर पहुंची और मैंने अशर को खाना खिलाकर सुला दिया. इसको सुलाने के बाद मैं अभी अपने कमरे में आराम करने चली गई. अभी मेरी आंख लगी ही थी कि मुझे यूं महसूस हुआ कि जैसे अशर रो रहा है. मैं जैसे ही उसके कमरे में गई तो मैंने कुछ ऐसी चीज देखी जिसको देखकर मैं अपने होश खो बैठी. उस कमरे में मेरे बेटे की लाश पड़ी थी. मेरा छोटा सा बेटा जिसने अब तक दुनिया में कुछ देखा भी नहीं था, उसकी लाश पड़ी थी. मुझे अब भी यकीन नहीं आता कि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा. जिसने भी अशर को मारा था वो साथ ही साथ तमाम कीमती सामान, जो पैसा मैं बरसों से जमा कर रही थी, वो सब कुछ लेकर चला गया. पुलिस ने छानबीन करना शुरू कर दी तो पता चला कि जिसने मेरे फूल जैसे बेटे को मारा था वो कोई और नहीं बल्कि मेरा सांप का शौहर ही था. पुलिस ने इसको फौरन हिरासत में ले लिया और इसने अपने बयान में बताया कि इसने मेरे बेटे को इसलिए मारा क्योंकि वो मुझसे बदला लेना चाहता था. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.